नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग आयसर एजेंसी पाए हुए हैं। आयसर 333 फाइव स्टार की आज हम लोग रिव्यू करेंगे, ट्रैक्टर के विषय में जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी। ट्रैक्टर के में काफ़ी बदलाव के साथ, पहले आयसर 335 सुपर प्लस आता था, जो कि अब इसको कंपनी ने चेंज करके सिर्फ फाइव स्टार कर दिया है और ट्रैक्टर में काफ़ी बदलाव के साथ लॉन्च किया है ट्रैक्टर को 2022 में। हम लोग आज इसकी बात करेंगे, ट्रैक्टर के एचपी और परफॉर्मेंस सारी भी चीज़ के बेस में हम बात करेंगे भाइयों। और ट्रैक्टर के एचपी भी बढ़ा दिया है, और पहले ट्रैक्टर के हम लुक की बात करेंगे। तो ट्रैक्टर फ्रंट साइड से आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफ़ी शानदार लुक में है। और ट्रैक्टर में बदलाव के साथ, पहले ये बीच में ग्रिप नहीं देता था, अब ये 5 ग्रिप के साथ देता है, जो कि स्टील ग्रिप में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब बीच में आयसर का लोगो देता है, जो कि अपने आप में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और आगे आपको 2 हैलोजन लाइट मिल जाएंगे, जो कि रात विजन में आपको काफ़ी अच्छा प्रकाश देते हैं। कंपनी फिटेड आपको एक फ्रंट में बम्पर, जो कि वेट का काम करता है ट्रैक्टर में, 60 से 70 केजी के आसपास आएगा भाइयों। काफ़ी खूबसूरत लगता है ट्रैक्टर को, काफ़ी आप खूबसूरत बनाता है ट्रैक्टर को। अब हम लोग ट्रैक्टर के लेफ्ट साइड बात करते हैं, और ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग और नॉन पावर स्टीयरिंग दोनों में मिलता है। ये ट्रैक्टर नॉन पावर स्टीयरिंग में है, और ट्रैक्टर की एचपी में भी बदलाव किया है। ट्रैक्टर की एचपी अब 39 एचपी कर दी है, और साइलेंसर विद कॉर्ड कर दिया है। पहले साइलेंसर विद कॉर्ड नहीं आता था, आज इसके फ़ायदे ये हैं कि आप ट्रैक्टर चलते समय गर्म हो जाता है भाई, कभी कभी ध्यान न देने पर किसान सट जाते हैं, तो ये आपका हाथ पर जलेगा नहीं। और ट्रैक्टर की लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा लुक बनाया हुआ है, केवल आयसर लिखा हुआ है और 3D प्रिंटिंग के साथ है, स्टील ग्रे में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे सुपर प्लस का लोगो देता था, जो अब नहीं देता, और अब इसको सुपर प्लस का लोगो राइट साइड में इधर दे दिया है, बोनट पे आप देख सकते हैं, राइट साइड बोनट पे दे दिया है। और डीजल टैंक पर आपको आयसर 333 का लोगो और 5 स्टार का लोगो मिलेगा 3D प्रिंटिंग के साथ, काफ़ी खूबसूरत लगता है भाइयों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की एचपी की बात करें तो ट्रैक्टर 39 एचपी में आपको मिलेगा आप, और ट्रैक्टर में 3 स्टेज एयर फिल्टर मिलेगा, जो ट्रैक्टर को काफ़ी फ्रेश हवा देता है, जो इंजन की लाइफ बढ़ाता है। ट्रैक्टर आपको वाटर कूल्ड मिलेगा, और ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में है भाइयों, और 3 सिलेंडर में बॉस के इनलाइन पंप के साथ आता है। ट्रैक्टर के इंजन सीसी की बात करें तो 2400 सीसी का इंजन आपको मिल रहा है। इधर आपको नीचे पंप के नीचे आपको 2 डीजल ऑयल फिल्टर मिल जाएंगे, एक उसी के बाद आपको इंजन ऑयल फिल्टर मिलने को मिलेगा, और वाटर सेपरेटर के साथ आपके ट्रैक्टर में पानी जाने को उससे बचाता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस मिलता है, आप पावर स्टीयरिंग में भी ट्रैक्टर में देखेंगे तो आपको स्पेस मिलेगा, और इस नॉन पावर स्टीयरिंग में भी आपको काफ़ी स्पेस देखने को मिलेगा। अन्य ट्रैक्टरों में यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम होता है, जो कि ढलान उलान पे चढ़ने पे काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ता है, लेकिन इसमें काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, जो कि आपको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। इसके फुट स्पेट में भी बदलाव किया गया है, इसको अब काफ़ी हैवी ड्यूटी दे दिया है। इधर बोनट पे बात करेंगे तो ग्रिल विल सारा सब चोई सेम है, लेकिन काफ़ी हैवी ड्यूटी अब काफ़ी मजबूती के साथ दिया है भाइयों। और ट्रैक्टर आपको सेंटर गेट मिलेगा, ये साइड शिफ्टिंग गियर और सेंटर गेट दोनों में आता है। अब ये ट्रैक्टर साइड शिफ्टिंग गियर में है, इसकी लट्टू को भी चेंज कर दिया है कलर को, पहले ब्लैक कलर में आता था, अब ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में आता है, जो कि ट्रैक्टर को और काफ़ी खूबसूरत बनाता है। इधर आपका PTO लेबर मिल जाएगा भाइयों। अब पीछे भी बात कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है, अब लेफ्ट सिक्योरिटी 1600 केजी कर दिया गया है भाइयों। टपलिंग के लिए लॉकर दे दिया है, जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ फिर आपको एक बॉटल बॉक्स देखने को मिल जाएगा सीट के पास। इधर आपको एक प्लग मिल जाएगा, जो कि आप रात में कोई तो प्रकाश के लिए प्लग मिल जाता है आपको सॉकेट। इधर पीछे की साइड आपको आयसर का लोगो देखने को मिलेगा, जो कि ट्रैक्टर को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। इधर आयसर 333 लिखा हुआ मिलेगा। इधर आपको एक हैलोजन बल्ब मिलता है, जो कि रात में आपको काफ़ी प्रकाश और काफ़ी काम करने में आरामदायक होता है भाइयों। ट्रैक्टर के टायर साइज़ की बात करें तो अगले टायर MRF के हैं, 6016 के टायर हैं, पिछले शहर भी MRF के हैं, जो कि 13-6-28 टायरों में है। ट्रैक्टर आपको आयल ब्रेक के साथ मिलेगा। आप पहले यहाँ पर
सुपर प्लस की ब्रांडिंग मिलती थी, लेकिन अब बोनट पर दे दिया है, राइट बोनट पे। इधर अब वाव का भी लोगो मिलेगा आपको देखने को, और छोटा सा एक इंडिकेटर लाइट और हैवी ड्यूटी टूल बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि प्लास्टिक बॉडी में आता है। इधर आपको साइड मिरर मिल जाएगा देखने को, और ट्रैक्टर नॉन पावर स्टीयरिंग में है आप देख सकते हैं। और इधर पहले बैटरी बॉक्स पे ब्लैक कलर का आता था, लेकिन अब स्टील ग्रे कलर में आता है, आयसर लिखा हुआ आता है, लेकिन पहले आयसर लिखा हुआ नहीं आता था। इसके सेल्फ में काफ़ी बदलाव कर दिया, जो कि चूँ से आवाज़ करता था अब कम आवाज़ करता है, काफ़ी अच्छा दे दिया है। इधर आपको एक अल्टरनेटर देखने को मिल जाएगा। आयसर सारे ट्रैक्टरों में सैमसंग का इंजन देता है, इस सैमसंग का इंजन है जो कि इंडिया में बना हुआ है। अब हम लोग ट्रैक्टर के ऊपर चलते हैं, तो आपको एडजस्टेबल सीट के साथ मिलेगा ट्रैक्टर। लेफ्ट साइड में आपको बोनट पे चार्जिंग बोर्ड मिल जाता है, आप यहाँ चार्ज वॉल रख कर इसमें चार्ज कर सकते हैं किसान भाई को सुविधा के लिए। नॉन पावर स्टीयरिंग होने के कारण ये थोड़ा सा हैंडल इसका बड़ा हुआ दिया हुआ है, और लाल रंग से आयसर का लोगो लगा हुआ है बीच में। ट्रैक्टर की आवाज़ भी सुनेंगे। ट्रैक्टर आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ मिलेगा। इधर यार ब्रेक लॉक दिया हुआ है, डीसी पीसी लीवर काफ़ी अच्छे जगह दिया हुआ है। ट्रैक्टर में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर वाल मिल देखने को मिल जाएगा, जो कि आप ट्रॉली वाली प्रेशर का सारा काम कर सकते हैं उससे। अब हम लोग ट्रैक्टर की आवाज़ सुनेंगे। देखिए भाइयों, हम लोग ट्रैक्टर की आवाज़ सुनेंगे, और ट्रैक्टर की चाबी, हम लोग ट्रैक्टर की आवाज़ सुनेंगे भाइयों। ट्रैक्टर काफ़ी, हम लोग क्या शानदार आवाज है भाइयों, अब आपको आरपीएम देख सकते हैं, क्या शानदार आवाज है भाइयों। भैया सारे मीटर अब काम कर रहे हैं भाइयों, ये देखिए इंजन ऑयल फिल्टर काम कर रहा है, डीजल फिल्टर, इधर बैटरी वाला भी फिल्टर काम कर रहा है, इधर हीटिंग मीटर है, अब ट्रैक्टर हीट होगा ज़्यादा चलेगा तब काम करेगा। पावर स्टीयरिंग तो काम कर है नहीं, अब हम लोग लिफ्ट देख सकते हैं, जैसे लिफ्ट भी उठ रहा है, जैसे काम कर रहा है सारा कुछ। ठीक है भाइयों, यहाँ पे ट्रैक्टर को बंद करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी लगी भाइयों, कमेंट करके बताइएगा, और आप जिस भी ट्रैक्टर की रिव्यू चाहेंगे उस ट्रैक्टर को कमेंट में बताइएगा। अगले दिन आपको वही वीडियो मिलेगी जिस ट्रैक्टर की आप रिव्यू देखना चाहेंगे उस ट्रैक्टर का रिव्यू मिलेगा। किसान भाइयों, मैं भैया जी का नंबर दे दूँगा, ये एजेंसी चकिया में है लोटस डायनामिक्स के नाम से, और मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूँगा, जिन भाइयों को चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं। ट्रैक्टर की प्राइस की बात करें तो 580,000 से लेकर 6.5 लाख के बीच में पड़ेगा। आकर भैया जी संपर्क कर लीजिएगा, भैया जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग इनसे आकर संपर्क कर लीजिएगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो ट्रैक्टर के विषय में मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।